भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक हफ्ते से सभी विधानसभाओं में मोदी सप्ताह के नाम से कार्यक्रम जारी है, जिसके अंदर मास्क, सैनिटाइजर, फूल फ्रूट वितरण और अलग अलग माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रपुर विधानसभा के लव कुश चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1500 मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। यह कार्यक्रम बद्रपुर के लोकप्रिय विधायक श्री रामवीर सिंह भिदूड़ी जी के नेतृत्व में किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही संदेश दिया कि आने वाले समय में बद्रपुर विधानसभा में विकास की लहर दौड़े। आइए देखिए हमारे संवाददाता हनी सहगल की खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रामवीर सिंह भिदूड़ी, आदरणीय रामवीर सिंह भिदूड़ी, भाई नरेंद्र मोदी। सर, सबसे पहले मोदी जी का जन्मदिन के अवसर में आप ये कर रहे हैं, कितने दिनों से चल रहा है ये? हमारा 14 तारीख से चल रहा है और एक सप्ताह के लिए हमारा स्वच्छता अभियान और इसके साथ गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को सैनिटाइज, मास्क और अन्य अन्य तरह की हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता अपना अपना काम निभा रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु करे ताकि वो देश की सेवा कर सकें और विश्व में अपना नाम कर सकें। आज हमारे मंडल के अध्यक्ष नीरज झा जी, उनके नेतृत्व में मेरे द्वारा ये सैनिटाइज और मास्क का कार्यक्रम, नीरज जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे अजय मिश्रा जी हैं, रमेश चौधरी जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं सबका नाम लूँगा, टाइम लगेगा। भिदूड़ी जी का एक नाम है विकास, भिदूड़ी जी आए विकास आया, भिदूड़ी जी गए विकास गया। मैं आदरणीय भिदूड़ी जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है जनता उनसे खुश है। विधायक बनने के बाद तुरंत कोरोना महामारी का समय आ गया, अभी धीरे धीरे ये महामारी निपटेगी और विकास कार्य और तेज़ी पकड़ लेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा उसका काम था जो गोल चक्कर हमारे भाई बहन जाते हैं ड्यूटी के लिए, वो घंटों जाम में फंस जाते थे, आज गोल चक्कर का काम उनके माध्यम से पूरा हुआ है। मैं भी अपनी तरफ से और अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना साहसिक कार्य किया। और दूसरा, जो बंद पड़ा था ये लोहिया पुल वाला काम, वो दिवाली तक इस जनता को सौंप देंगे, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम सब लोग आदरणीय रामवीर सिंह भिदूड़ी जी के नेतृत्व में ऐसे ही काम करते रहेंगे और रोहतास कुमार जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हमारी सारी टीम काम करती रहेगी ऐसे ही। और आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है सर, जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए जा रहे हैं, महामारी रुक नहीं रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार रोकने के चक्कर में लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो 17 तारीख का उनका जन्मदिन और 14 तारीख से साप्ताहिक प्रोग्राम, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष भाई नीरज झा जी के नेतृत्व में इन्होंने फल वितरण का काम, पेड़ लगाने का काम, स्वच्छता अभियान का काम, मास्क बांटने, सैनिटाइजर का काम पूरा अपने बदरपुर विधानसभा 97 वार्ड में इन्होंने पूरा जोर शोर से मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष में और आदरणीय मेरे विधायक रामवीर सिंह भिदूड़ी जी के द्वारा अभी आपने कहा जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पक्ष का काम है काम करना। उन्होंने बदरपुर विधानसभा को पूरे भारतवर्ष के अंदर में उसका नाम होगा, जैसे कि 885 एकड़ ज़मीन पे पार्क बन रहा, 6 लेन का रोड बन रहा, लोहिया पुल पर जो दीपावली में पुल चालू हो जाएगा, अभी आपने गोल चक्कर देखा, कितने 10 सालों से गोल चक्कर का काम करवाया और जैतपुर में इतनी बड़ी मोड़ पे जो जाम था उन्होंने जाम छुड़ा करके
बदरपुर विधानसभा का लोगों को, आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दिया है। लेकिन हम कहते हैं जो बदरपुर विधानसभा पूरे विश्व में विधानसभा कहलाएगा, क्योंकि रामवीर भिदुरी जी काम करने वाला नेता है और विपक्ष का काम है हल्ला करना, पक्ष का काम है काम करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को देता हूं, उनके जन्मदिन 17 तारीख को हजारों साल जिए और इसी तरह भारत की राष्ट्र की निर्माण की बात करता हम लोग पूरे इसी वार्ड में, और भरद्वाज जी के माध्यम से आज सैनिटाइजर बांटा गया, और नीरज जी के टीम के माध्यम से एसी राठौर जी, बहन जी, सब लोग एकजुट होकर के हम श्यामल किशोर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी तरह जिए हजारों साल और हमारे देश की विकास करें। जय हिंद जय भारत। नीरज जी क्या कहना है जन्मदिन पे उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहेंगे बदरपुर में जिस तरह से आप लोग लगातार कार्य करते जा रहे हैं भिदुरी जी के नेतृत्व में? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली प्रदेश पूरी राष्ट्रीय स्तर के लोग सेवा सप्ताह दिवस के रूप मनाते हैं। इसी करीब हम लोग 14 से लेकर 20 तक हर एक दिन हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में कभी सफाई कार्यक्रम हो, कभी सूखा राशन हो, कभी भोजन वितरण हो, चश्मा वितरण हो, ये सारे कार्य हम लोग, या वृक्षारोपण हो, विभिन्न कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हरिनगर वार्ड में लपकुश चौक पर हम लोग सैनिटाइजर और मास्क नीडी लोग को, जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने बांटा। हम सभी हरिनगर वार्ड के लोग, हरिनगर मंडल का लोग, रमका भारद्वाज जी इस कार्यक्रम के संयोजक रहे, श्यामल जी, अजय जी, मनीष जी, राठौड़ जी, संगीता जी, जितने भी हमारे मंडल के लोग हैं, कौशिक जी, हमारे बड़े भाई रमेश चौधरी, सभी लोग मिल करके आज सैनिटाइजर मास्क किया। आज सेवा सप्ताह का अंतिम दिन है और अभी हम लोग और भी कार्यक्रम करेंगे। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोरोना काल, अभी कोरोना काल समय, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सभी निडी लोगों को, जरूरत लोगों को घर घर जाके हम लोग राशन पहुँचाया, जो भी जरूरत लोग हमने पहुँचाया, हम लोग अपने जान का परवाह किए बिना ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व से जो आदेश मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे विकास के नायक श्री रामवीर भिदुरी जी के आदेश से हम लोग घर घर जाके सैनिटाइजर, मास्क, सूखा राशन और भी जरूरत लोगों को जितना लगा हम लोगों ने बांटने काम किया। और कोई पार्टी आप देखिए, वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हो, घर में दबके रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम लोग कोरोना काल में निकले हैं और हम लोग निकलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हम लोग रामवीर भिदुरी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके आदेश के, जो उनका आदेश मिलता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश मिलता है, जो हमारे जिला अध्यक्ष रोहतास एडवोकेट जी उनका जो आदेश मिलता है, हम लोग वो सारे काम कर रहे हैं। सभी हमारे हरिनगर मंडल कार्यकर्ता काम कर, इसके लिए मैं सभी हरिनगर मंडल के कार्यकर्ता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना है आपका? बस मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को कि यहाँ का जो बदरपुर का जाम और मीठापुर का जो जाम था, उन्होंने बहुत अच्छा करा है, अच्छा अच्छा काम किया है, नहीं तो लोग चार चार घंटे खड़े होते थे। मैं बस धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपने क्षेत्र के आदरणीय विधायक श्री भिदुरी जी और हमारे जिलाध्यक्ष रोहतास भिदुरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम हमें दिया। और हम क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं जिसमें सैनिटाइजर है, फल वितरण है, भोजन वितरण है, पौधों का वृक्षारोपण है, सफाई व्यवस्था है, और उसके बाद जो कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं आदरणीय भिदुरी जी के द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नीरज जी, रामप्रकाश भारद्वाज जी के सहयोग से जो भी कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं वो आम जनता के लिए किए जा रहे हैं और ये काम आगे रेगुलर चलते रहेंगे और आपको इस तरह से हमारी कार्यकर्ता सेवा करते रहेंगे। क्या संदेश रहेगा जनता को और विपक्ष को? देखिए विपक्ष को तो मेरा यही संदेश है, अगर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी सराहना जरूर करें और अगर कोई काम हमसे छूट रहे हैं उनको हमको याद दिलाएं। ये विपक्ष की भी बहुत बड़ी एक भूमिका होती है, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं उनको याद दिलाने का काम विपक्ष करता है। मैं विपक्ष के लोगों से ये आग्रह करूँगा कि हमारी कुछ कमियाँ हैं उन्हें ज़रूर बताएं और जो अच्छे काम हों उनकी बड़ी तारीफ करें। आदरणीय विकास के नायक रामवीर सिंह भिदुरी जी, जो उन्होंने पीछे भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अभी भी करेंगे और कर रहे हैं, मैं पुनः मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हजारों साल वो जिए और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी।